हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स का, ये नया चैप्टर है परावर्तन या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और प्रकाश का परावर्तन जिन जिन चीज़ों से होता है, अर्थात दर्पण से हो गया, किसी गोली सतह से हो गया, गोली सरफेस से हो गया, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो परावर्तन का सामान्य तात्पर्य क्या होता है? परावर्तन का सामान्य सा अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जो गतिमान स्थिति में हो, अपने रास्ते में आने वाले किसी ठोस सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो किसी वस्तु का या किसी गतिमान वस्तु का अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ठोस सतह से टकराकर वापस मुड़ने की क्रिया या उसी दिशा में वापस जाने की क्रिया परावर्तन कहलाती है। तात्पर्य यह है कि मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई एक ठोस सतह है, इस ठोस सतह में ये कोई भी एक वस्तु हमने लिया, यह वस्तु गतिमान अवस्था में है, यह गतिमान अवस्था में बिल्कुल जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब यह इस पॉइंट से, इस ठोस सतह से टकराकर यह वापस जिस दिशा से गई है उसी दिशा पे क्या है, वापस आ जाए। तो ये जो घटना यहाँ जो घट रहा है कि कोई भी वस्तु का अपने अनुगमन की दिशा में जाने पर किसी भी ठोस सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ना, इस क्रिया को ही, इस घटना को ही परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ हम रिफ्लेक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश के, लाइट के रिफ्लेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो ये जब टॉपिक, ये जैसे हमने अभी इसको वस्तु के लिए पढ़ा, इसे जब प्रकाश के लिए बात करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होगा कि किसी भी स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण, प्रकाश तो बहुत सारे हैं, तो कोई भी स्रोत है, उस स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण जब जिस किसी भी माध्यम में ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते हुए जब आगे जाएगी किसी भी ठोस सतह से, किसी भी चिकने सतह से टकराकर वो अपनी ही दिशा में पुनः वापस आ जाती है, तो ये घटना प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जब हम बात करते हैं किस चीज के लिए, ये प्रकाश के परावर्तन के लिए, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक चीजें क्या होनी चाहिए, आवश्यक वस्तु क्या है? पहला है कि प्रकाश होना चाहिए, दूसरा है कोई ठोस सतह होनी चाहिए। प्रकाश और ठोस सतह हो तो उस जगह पर अपवर्तन जैसी घटना घटित होगी। तो प्रकाश की किरण जब इस ठोस सतह से टकरा कर वापस आ रही, यही परावर्तन कहलाएगा। अब प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसके जो भी डेफिनेशन है यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये नोट्स में अवेलेबल करा दिया गया है, आप एप्लीकेशन से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रकाश के परावर्तन को अब हमें समझना है तो उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस पर। कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास ठोस सतह है, अब इस ठोस सतह में इस प्रकार से हमने नीचे में क्या है, ये जो लाइनिंग खींच दी है वो इस बात को बताता है कि ये सतह जो है ठोस है, ऊपर से ये सतह चिकना है और नीचे से ये उसका पूरा बेस है जो उसको क्या करके रखा है, सपोर्ट करके रखा हुआ है। अब इस ठोस सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, बिंदु ए कोई प्रकाश का स्रोत है, इस बिंदु ए प्रकाश के स्रोत से कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकल रही है और कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकल कर आए, एवं वो परावर्तित होकर इस बिंदु से, जैसे ही इस बिंदु पर आए, जिस बिंदु पर टकरा रहा है उस बिंदु से वो परावर्तित होकर वापस दूसरी दिशा में क्या है, चले जा रही है। तो जिस बिंदु पर वो टकराता है, प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर टकराया, वो बिंदु हम लोगों का आपतन बिंदु कहलाता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है, इंसिडेंट
पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपतन बिंदु है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे ही प्रकाश ठोस सदृश टकराई वापस अपनी दिशा में क्या है मुड़ जाती है। तो वापस जब अपनी दिशा मुड़ती है तो उस स्थिति में कुछ नियमों का ये पालन करती है और उसी नियम को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम के रूप में जानते हैं। सो ये आपतन बिंदु के बारे में है। जो प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है जिस बिंदु पर टकराया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर इस ठोस सतह के लंबवत एक रेखा खींची जाती है। वह लंबवत रेखा अभिलंब के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से देखिए जो आपतन बिंदु है उस आपतन बिंदु पर इस सतह के लंबवत एक रेखा खींची गई। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये रेखा कहलाता है हम लोगों का अभिलंब अर्थात नॉर्मल। अभिलंब इसे कहा जाता है नॉर्मल। ये आपतित किरण है अर्थात ये इंसिडेंट रे के नाम से जाना गया। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एवं ये जितने कोण बनाते हुए आ रही है उतने ही कोण बनाते हुए ये इस दिशा में क्या है वापस चले जा रहे हैं। अर्थात जो किरण किसी स्रोत से आपतित तो होकर एक बिंदु पर आकर टकराई जिसे हमने क्या नाम दिया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर यह आकर टकरा रहा है तो ये जो आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची गई है सतह के वो अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए गई परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये जो चित्र है ये चित्र परावर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए या पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से इसको व्याख्या करने के लिए सफिशिएंट है। कैसे हम इसको समझेंगे कि हमारे पास कोई ठोस सतह है। इस ठोस सतह पर किसी प्रकाश स्रोत से जब कोई किरण आपतित होती है जिस बिंदु पर टकराएगी वो आपतन बिंदु कहलाता है। इस आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो ठोस सतह के लंबवत हो। तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आएगी जो किरण परावर्तित होकर जाती है अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होकर ये रिटर्न बैक हो गए। अर्थात ये हुआ कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या हो रहा है यहां बराबर हो रहा है। तो यहां जितनी भी बातें हैं वो सबको हम लोगों ने देख लिया। ये परावर्तित किरण है जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए ये जो परावर्तन की प्रक्रिया है जिसे हमने इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्या है देखा है। परावर्तन की प्रक्रिया के बाद परावर्तन के नियम के ऊपर हम बात करते हैं। परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। ये देखिए पेन जहां पर मैं ऐसे गोला चला रहा हूं ये एक ही बिंदु इस बिंदु पर आपतित किरण भी मिल रहा है इसी बिंदु से परावर्तित किरण भी निकल रहा है इसी बिंदु से अभिलंब भी है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या है मिलते हैं और एक ही सतह पर या एक ही समतल पर उपस्थित है। तो पहला बात क्या हो गया आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु व समतल पर स्थित होते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमें इस बात को ध्यान से देखना है। पहला नियम ये कहा आपतित किरण
परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु एवं एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यह पहला नियम है परावर्तन के। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल आई का वैल्यू एंगल आर के बराबर होता है। तो ये जो दो नियम है, यही दो नियम हमारे किसके नाम से जाने जाते हैं? परावर्तन के नियम के नाम से जाने जाते हैं, जिसे सामान्यतः लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये हिंदी नाम है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये दोनों बिंदु को हमें बहुत ध्यान से देखना है। मान लो कभी आपसे पूछ दिया गया आपतन कोण की परिभाषा क्या है, कैसे बताएंगे? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण की परिभाषा भी हमने देख लिया। अभिलंब की परिभाषा बोला जाएगा तो ठोस सतह है, इसके आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो इतना जो कंटेंट है, ये कंटेंट तो हम लोगों ने देखा। अब अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि आखिर परावर्तन जो हम देख रहे हैं, इस परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, और ये जो परावर्तन के प्रकार होते हैं उनके उस प्रकार के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं। परावर्तन के प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला है हम लोगों का रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है हम लोगों का इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, चित्र की सहायता से हम इसको समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्मूथ सरफेस से होता है। स्मूथ सरफेस मतलब बिल्कुल चिकना सतह। सतह क्या है, बिल्कुल क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। इस सतह पर जितने भी प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, जैसे कि ये पहला प्रकाश का किरण हुआ, ये दूसरा प्रकाश का किरण है, ये तीसरा प्रकाश का किरण है, जितने भी आपतित हो रहे हैं सभी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के पश्चात बिल्कुल इस तरीके से क्या है, वापस चले जाएंगे। अर्थात हम ऐसा देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन, रेगुलर को हिंदी में नियमित कहते हैं, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन परावर्तन का वह प्रकार है जो चिकनी सतह से या स्मूथ सरफेस से होता है, जिसमें जितने भी आपतित किरण हैं सभी आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर आपतित होते हैं, तो परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समानांतर ही जाते हैं। अर्थात देखिए, आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर आ रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर जाएंगे। तो ये इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है वही रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है या नियमित रिफ्लेक्शन कहलाता है। और सिर्फ तभी संभव है जब ये जो परावर्ती जो सतह है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ये इसकी बात किया। इसका कारण यह है क्योंकि इनके हर एक एक बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर आपने क्या किया, एक अभिलंब बनाया, इस बिंदु पर आपने एक अभिलंब बनाया, इस बिंदु पर हमने क्या किया, अभिलंब बनाया। तीनों अभिलंब एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो ये तो नियमित परावर्तन में हुआ। अनियमित परावर्तन में क्या होगा, इरेगुलर। इरेगुलर को किस नाम से जाना जाता है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अभी अनियमित परावर्तन में कैसा है कि ये जैसे हमारे पास कोई ये जो है ये ठोस सतह तो है, मगर ठोस सतह जो है समतल नहीं होता है, खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है मतलब इस प्रकार के, ये ऐसे इस टाइप का ये हमारे पास क्या है, सतह है। है ये ठोस सतह, मगर ये ठोस सतह जो है बिल्कुल चिकना नहीं है, स्मूथ नहीं है। ये ठोस सतह किसके जैसे है, ये इरेगुलर है, असमतल है, खुरदुरा है। अब इसमें जितने भी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से क्या हो रही हैं, इस पर आपतित हो रहे हैं, ये ऐसे, जैसे ये तीन प्रकाश की किरणों को हमने लिया कि ये तीन प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हुई।
इनका जो परावर्तन जो है वो परावर्तन कैसे होगा कि हर एक एक बिंदु पर क्या होता है, जो वक्र सतह है, जैसे कि ये कोई वक्र सतह है, इस वक्र सतह पर बोला जाए अभिलंब खींचो इस बिंदु पर, तो वक्र वाले बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए सबसे पहले उसमें स्पर्श रेखा खींचकर समतल बनाया जाता है और तत्पश्चात तो उस पर इस प्रकार से एक अभिलंब खींचा जाता है। तो यही एक्टिविटी हम यहाँ करें कि ये सतह वक्र है तो इस वक्र सतह पर हमने पहले क्या किया, ऐसे अभिलंब खींचा, ये वक्र सतह है तो पहले हमने यहाँ अभिलंब खींचा, ये वक्र सतह है तो पहले हमने यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा, ये देखिए ये पहली स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये तीसरी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हर उस जगह पर खींचना पड़ता है जहाँ सतह वक्र का रूप में हो, वक्री रूप में हो, कर्वेचर के फॉर्म पे हो। अब ये जो सतह खींचेंगे उसी सतह पर ही तो हम अभिलंब खींच पाएंगे, तो इन बिंदुओं पर, इस पॉइंट पर अभिलंब जो है बिल्कुल इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पर अभिलंब जो है वो अभिलंब इस दिशा में होगी, इस बिंदु पर अभिलंब इस दिशा में होगी। अब देखिए इनके अभिलंब के पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जितना ये आपतन कोण बनाते हैं उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए जाएगा, तो पहले परावर्तित किरण इस दिशा में गया, ये जितना आपतन कोण बनाते आ रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए जाएगा, दूसरा किरण इस दिशा में चला गया, तीसरा जो किरण जितना एंगल बनाते आ रहा है उतना एंगल बनाते जाएगा, तो तीसरा किरण इस तरीके से चला गया। अब आप देखिए इस परावर्तन में और इस परावर्तन में अंतर क्या हुआ, इसमें सतह चिकना है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकनी सतह है, तो जितने भी आपतित किरण सदैव एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, टकराएंगे, जिस बिंदु पर टकराए उस बिंदु पर अभिलंब खींचे वो अभिलंब भी एक दूसरे के समानांतर है, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, तो इनसे निकल कर जाने वाली परावर्तित किरणें भी एक दूसरे कैसे जाएंगी, समानांतर जाएंगे। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे कैसा होता है ये चीज, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में खुरदुरा सतह है, इस पर जो भी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही हैं, तो आपतित होने वाले प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराकर ऊपर की ओर जा रही है, सेकेंड वाला परावर्तित किरण नीचे की ओर आई, तीसरे परावर्तित किरण और बाहर डाइवर्ज होते हुए जा रही है, फैलते हुए जा रही है, तो इसमें आपतित किरण तो समानांतर है मगर परावर्तित किरण जो है वो समानांतर नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब इनके पॉइंट्स को यदि हम देखा जाए, रेगुलर या नियमित परावर्तन, तो ये किसमें होते हैं, पहला चीज कि ये चिकने सतह में होते हैं, चिकनी सतह पर, चिकनी सतह मतलब क्या हो गया, स्मूथ सरफेस पर है। दूसरा जो चीज है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। तीसरा, यह आदर्श अवस्था है, आदर्श अवस्था है, इट मीन्स यह आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, और यह आइडियल कंडीशन लगभग किसमें होता है, यह आइडियल कंडीशन लगभग लगभग आईने पर होता है, आईना या दर्पण पे यह चीज हमको दिखाई देता है, अर्थात किस पर, मिरर पे, मिरर पे भी 100% रेगुलर नहीं होता मगर टेंड्स टू बी रेगुलर रहता है, अर्थात लगभग रेगुलर, लगभग नियमित के बराबर होता है, क्योंकि आदर्श अवस्था या आइडियल कंडीशन दुनिया में कभी भी जनरेट नहीं किया जा सकता। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिति में हम पहला चीज देखेंगे, जैसे ये चिकनी सतह पर है तो ये किस सतह पर आएगा हम लोगों का, खुर दूरा सतह पर होगा, अर्थात ये हमारे पास रफ सरफेस पर है। दूसरा, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रहते हैं तो ऐसा नहीं है, ये अपोजिट हो जाएगा, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होते, समांतर नहीं होते। तीसरा, ये आदर्श अवस्था है तो ये प्रायोगिक अवस्था है, प्रायोगिक या प्रैक्टिकल कंडीशन है। और चौथा, ये आईने दर्पण में होता है, ये किसी भी सतह में होता है, किसी भी सतह पर हो सकता है। अब इसका उदाहरण तो हमने देख लिया, बिल्कुल चिकने सतह में, पानी के सतह में, साबुन का जो लेयर होता है उसके सतह में, इनका उदाहरण है। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के जब आप उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में पहला इसका उदाहरण है आईना,
दूसरा होता है पानी का सतह, या इसको ऐसे लिख लो साबुन पानी का सतह। इनमें क्या है, इस प्रकार का रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। मगर इरेगुलर के जब उदाहरण की हम बात करते हैं, तो इरेगुलर का उदाहरण ये किस में होगा, पहला खुरदुरा सतह, दूसरा धूल के कण, जैसे वायुमंडल में धूल के कण उड़ते रहते हैं, उसमें जब क्या होता है प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो रफ सरफेस होता है, छोटे छोटे कण होते हैं भले ही, और वो प्रकाश की किरणों को इधर उधर सभी दिशा में क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो धूल के कण के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तीसरा रोड में रात्रिकालीन समय में हेडलाइट का रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं रात के समय, तो रोड जो बिल्कुल समतल सतह रहता है, रोड कितना भी समतल क्यों ना हो जाए वो रहेगा हल्का खुरदुरा, बिल्कुल चिकना भी रहेगा तो वो चिकना हमको दिखाई देगा, और हमारे गाड़ी के हेडलाइट उस रोड से टकराकर जो रिफ्लेक्शन होगा उससे हमको समझ में आ जाएगा कि रोड की स्थिति कैसी है। मगर जब वही रोड थोड़ा खुरदुरा होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमें ये समझ में आता जाएगा रात में कि किस जगह पर गड्ढा है और किस जगह पर गड्ढा नहीं है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, किस स्थान पर स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कितनी है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि हेडलाइट जब रोड पर पड़ेगा तो जिस जगह पर गड्ढा होगा और जिस पॉइंट पर लाइट नहीं पड़ेगा तो वो जगह अंधेरा दिखाई देगा, तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, अर्थात हमको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें क्लियर किसके कारण हो रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। इमेजिन कीजिए कि बरसात का दिन है और जितने भी वहाँ रोड में जो गड्ढे वाले स्थान है सब के सब पानी से भर गए हैं, तो रात के समय जब आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या है, पानी भरे हुए स्थान के कारण वो रोड आपको दूर से कैसा दिखाई देगा, समतल दिखाई देगा, और हम यदि स्पीड से जाते रहेंगे तो हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर, क्योंकि पूरा रोड गीला है तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरे रोड में पानी भरा हुआ है। इसके कारण क्या होता है, और पूरे रोड से क्या है, प्रकाश की किरणें पानी के सतह के कारण, पानी के लेयर के कारण वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्ट होता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे गाड़ी का जो पहिया है वो किसी गड्ढे में जाकर फंस जाता है, किसी गड्ढे में बहुत तेज जर्क लगता है, वो किसके कारण होता है, हमें ऐसा लगता है कि इस स्थान की मिट्टी या इस स्थान का जो रोड है बिल्कुल समतल है मगर वो रहता है रफ। तो देखिए पानी भरने के कारण वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखना चालू हो गया, पानी नहीं भरा होता तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता और हमारे गाड़ी में हम धक्के खाने से बच जाते। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या है, ये उदाहरण है। अब इनको एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न वर्ष 2016 में पूछा गया है कि धूल के कण से, यह एक छोटा सा प्रश्न था आया हुआ था कि धूल के कण से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो परावर्तन के किस प्रकार का उदाहरण है। तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए थे, वहां स्पेक्युलर और डिफ्यूज्ड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा था, अर्थात अनियमित परावर्तन के कारण हो रहा था। ये तो परावर्तन के प्रकार के बारे में हमने देखा। अब परावर्तन के प्रकार के पश्चात अगला जो टॉपिक आता है वो है दर्पण, दर्पण बनता कैसे है, उसके बाद आता है दर्पण से परावर्तन कैसे होंगे। तो इसका अगला टॉपिक है वो है दर्पण। सी वन थिंग, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में।
दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकार का देखा जाए या मिरर, मिरर क्या है और एक कैसे बनता है? तो कांच से बना हुआ एक प्रकाशी यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन जैसी घटना को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देता है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की घटना दर्पण से बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो दर्पण को हम जब पढ़ते हैं तो दर्पण की संरचना कैसे होती है और संरचना के बाद हम उसमें परावर्तन कैसे पढ़ेंगे, तो दर्पण में तीन चीजों के बारे में हमें क्या है, तीन चार चीजों के बारे में पढ़ना है दर्पण का। सबसे पहले है संरचना, दूसरा है उसका कार्य अर्थात उसमें से परावर्तन कैसे होगा, तीसरा है उसकी प्रकृति और चौथा है समतल दर्पण का उपयोग। देखते रहिए, इस वीडियो में हम दर्पण के संरचना तक की बात करेंगे, अगले वीडियो में इसके कार्य, इसकी प्रकृति और इसके उपयोग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब यह दर्पण का टॉपिक जो है वो हमारा फिनिश होगा और कंप्लीट होगा। दर्पण की संरचना, दर्पण की संरचना कैसे होती है, दर्पण की यदि संरचना की बात करेंगे तो दर्पण बिल्कुल एक सीधा समतल हम कांच लेते हैं, ग्लास, ग्लास इस प्रकार से होता है कि इस तरफ कोई वस्तु हमने रखा है या इस तरफ हम खड़े हैं और उसके पीछे में कोई दूसरी वस्तु रखे हैं, तो सामने खड़ा व्यक्ति इस कांच की सहायता से, या ये कांच नहीं भी रहेगा तो या रहेगा तो, इसके पीछे रखी वस्तु को आसानी से देख पा रहा है, अर्थात इसमें से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं बिल्कुल इसको पार करके चली गई और यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण को पार करके आ गई। तो ये दर्पण नहीं है, ये भी सामान्य हमारे पास क्या था, ये सामान्य कांच का टुकड़ा है, ठीक है, कांच का ये प्लेट है। अब इस कांच के प्लेट में क्या किया जाता है, एक सतह लगाया जाता है, कांच के प्लेट में जो सतह हम अप्लाई करते हैं उस सतह को कहा जाता है परावर्ती सतह। तो कांच है, इस कांच के प्लेट के ठीक पीछे हम क्या करते हैं, इस प्रकार का ये हरे कलर की जो मैं लाइनिंग्स लगा रहा हूं, ये हरे कलर की लाइनिंग्स क्या कहलाते हैं, परावर्ती सतह कहलाते हैं। तो देखिए ये हरे कलर का लाइनिंग, इसको मैंने लिख दिया क्या, ये परावर्ती सतह है। अब ये परावर्ती सतह अर्थात रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे हम कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या काम होता है कि यहां से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगे, अब उस प्रकाश की किरण को इस कांच से ये बाहर जाने ना देकर इसको वो वापस उसी दिशा में क्या करते हैं, मोड़ देती है। अर्थात बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सा यहां हमने इन चीजों को देखा कि कांच के प्लेट से हो क्या रहा है कि कांच का जब केवल प्लेट था तो प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरे तरफ, एक साइड से दूसरे साइड वो क्रॉस कर जा रहा है, मगर उसको क्रॉस करने से बचाना है तो उसके लिए हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां लगाना पड़ा, पीछे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस की पॉलिश कर दी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने अब क्या किया कि यहां से आने वाले प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया। जब पारदर्शी कांच के पीछे या पारदर्शी कांच के किसी एक सतह पर परावर्तिक सतह या परावर्तक का हम क्या करते हैं, लेयर लगा देते हैं, तो ये लेयर हमारा क्या कहलाता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में जो कांच है ये टोटल किस नाम से जाना गया, ये टोटल का टोटल अब हमारे पास एक दर्पण के नाम से जाना गया जिसे हमने क्या बोला, मिरर का नाम दिया। मगर ये जो परावर्तिक सतह है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, इसको यदि नाखून से भी इस तरीके से हम कुरेद देते हैं हल्का सा, यदि मैं इधर से आके इसको ऐसे ऐसे कुरेद दिया तो ये जगह से क्या हो जाएगा, परावर्ती सतह बाहर निकल जाएगा। जो परावर्ती सतह यहां से बाहर निकल गया तो वो फिर से क्या रह गया, पारदर्शी कांच बन गया। अर्थात अब इमेजिन कीजिए कि दर्पण को तो हम हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रखते हैं, तो उसके निचला सतह जब कभी भी किसी खुरदुरे सतह में रखाएगा तो वो हमेशा उसमें क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण के कारण ये पूरा का पूरा परावर्ती सतह हट जाएगा, निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये दर्पण पुनः कैसा हो जाएगा, कांच के प्लेट जैसा हो गया। अर्थात ये है कि दर्पण को दर्पण रखने के लिए इसके परावर्ती सतह को बचाना आवश्यक है। तो परावर्ती सतह को बचाने के लिए इसके पीछे में क्या किया जाता है, एक टफ पेंट का लेयर लगा दिया जाता है और इस लेयर को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से जाना जाता है।
प्रोटेक्टिव लेयर, संरक्षित सतह कहते हैं। सी, परावर्ती सतह किससे मिलकर बनता है? परावर्ती सतह मिलकर बनता है, सबसे अच्छा परावर्तक होता है मरकरी, मरकरी के बाद होता है सिल्वर, सिल्वर के बाद होता है एल्यूमिनियम। इन टाइप के सतह का हम सामान्यतः क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मरकरी वैसे लिक्विड के फॉर्म पे मिलता है हमें, तो इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। सिल्वर अर्थात चांदी, चांदी भी बहुत अच्छा परावर्तक होता है और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा परावर्तक होता है। आप दर्पण की क्वालिटी को उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जान सकते हैं। आप किसी दर्पण के सामने खड़े होइए और दर्पण से प्रकाश कितना ज्यादा चमक कर बाहर आ रहा है वो उसके किस बात को बताता है, परावर्तन जो है या रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। अधिकांशतः जो दर्पण होते हैं उनमें सिल्वर अर्थात इस चांदी के पतले परत का प्रयोग किया जाता है परावर्ती सतह बनाने के लिए, जबकि वहीं पर प्रोटेक्टिव लेयर जो है, प्रोटेक्टिव लेयर में हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर में हम यूज करते हैं वार्निश का उपयोग करते हैं, पेंट का उपयोग करते हैं, इन टाइप की चीजों का हम यूज करते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी दर्पण को देखेंगे तो इस दर्पण में सामने तरफ आपको कांच दिखाई देगा और पीछे तरफ देखेंगे तो आपको वार्निश या पेंट लगा हुआ एक लेयर दिखाई देगा और उनके बीच का जो परावर्ती सतह है ये लेयर हमको कभी भी दिखाई नहीं देता, मगर ये मौजूद रहता है। तो जब दर्पण की संरचना की बात करोगे तो दर्पण की संरचना को आप कैसे मान सकते हो कि दर्पण जो है थ्री लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। दर्पण की जब हम बात करते हैं तो ये संरचना इसकी कैसी है, इसकी संरचना है थ्री लेयर स्ट्रक्चर। थ्री लेयर स्ट्रक्चर में पहला लेयर जो रहता है हम लोग का ग्लास प्लेट का है, ग्लास प्लेट। दूसरा जो लेयर है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और तीसरा जो है हम लोगों का प्रोटेक्टिव सरफेस का है। ये ऐसे करके ये तीन लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। ये दर्पण के बारे में बात हुआ। ठीक, अगले क्लास में हम बात करेंगे कि इसके बारे में, कार्य के बारे में, इसके प्रकृति के बारे में, इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।